discuss for the person who is in the disease? I am the CEO of Axiomax, which has undertaken this initiative. और ये मेरे दिमाग में करीबन वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट टू ईयर्स. अक्टूबर 2017 ऑनवर्ड्स वी आर वर्किंग. या अक्टूबर 2017 से हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि हितेश जी ने म्यूज़िक कंपोज किया था, बट वी आर नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ लिरिक्स एंड वी स्ट्रगल फॉर 6 months टू गेट द राइट लिरिक्स. लिरिक्स में मैसेज ये जाना चाहिए कि पेशेंट अगर कैंसर होता है तो उसके लिए सारी फैमिली उसके साथ में है, सब लोग उसके साथ में खड़े हुए हैं. एंड ही हैज टू नीड नॉट वरी, मतलब इज नॉट इन आइसोलेशन, वो अकेला नहीं है. और वो मैसेज के लिए हम लोगों ने मेहनत की और हितेश जी ने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक दिया. और रवि वासने जी का मैं खासतौर पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे लिरिक्स दिए कि विच इज़ रियली सुटेबल इन ऑल लैंग्वेजेस. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर कि जब हम हिंदी में बनाए तो इतना अच्छा बना कि उसके बाद हमको लगा हमको तमिल में वी शुड गो नेशनल, तो वी वॉन्टेड टू गो फॉर तमिल. तो तमिल जब ट्रांसलेट हुआ तो द पर्सन वॉज ट्रांसलेटेड दे स्टार्टेड वीपिंग. देन वी कुड गेट अ फीलिंग कि इट इज गॉट समथिंग, सम वर्डिंग्स आर देयर, स्पेशली द एंड ऑफ द कोड़ा इज वेरी इफेक्टिव आई थिंक. एंड दैट कीप्ट ऑन मोटिवेटिंग. देन वी वेंट फॉर कन्नड़, देन वी वेंट फॉर बंगाली एंड मराठी, एंड वी प्लान टू गो फॉर अनदर 6-7 लैंग्वेजेस इफ इट गोज वेल. हमेशा ही पॉपुलर रहा है, हमेशा ही अट्रैक्ट किया है लोगों को. और ये एक ऐसा मीडियम है जो हम सोशल कॉसेस के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एक्सियम मीडिया एंड हितेश जी, दे हैव बोथ यूज्ड म्यूज़िक एंड सिनेमा टू प्रोपगेट द आइडिया ऑफ कैंसर, द अवेयरनेस ऑफ कैंसर एंड हाउ इट कैन बी फॉट एंड हाउ वी नीड टू बी ब्रेव टू फाइट अ डेंजरस एनिमी. सो it's a beautiful number. It is very nicely sung by Shan, who is one of our finest singers. And I think this message will be propagated much more easily and much more wider because of the medium that is involved, that is cinema and music. This is what we have to say. जरूरी है. म्यूजिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप म्यूजिक कुछ कर रहे हैं तो कमर्शियली कुछ अर्न कर निकले. बस कुछ होना चाहिए कि म्यूजिक जो एक सब्जेक्ट है जो कि इसलिए हम डेडिकेटेड है, तो उसको लेके कुछ अवेयरनेस हो, कुछ अच्छा काम में हम कर सकते हैं. आई थिंक वो आइडिया मेरा दिमाग में आया कि आई हैव टू डू समथिंग. दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर्स एंड डिप्रेशंस, तो म्यूजिक यू कैन से इज ए मेडिसिन. ये हम म्यूजिक थेरापी भी बोलते हैं एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑल्सो. मैंने रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड को कैंसर है, उसको मैंने गाना सुनाया और सुनाने के बाद उसके चेहरे पे मैंने वो स्माइल देखा एंड आई थॉट दैट कि इट इज़ रियली इफेक्टिव. एंड मेरा भी इच्छा है कि मैं ऐसे और भी आगे जाके और काम करूँ. एंड बेसिकली आई बिलीव इन क्वालिटी, नॉट गेट बहुत क्वान्टिटी. वट एवर आई एम डूइंग, जस्ट आई वॉन्टेड टू डू ए गुड गुड जॉब. See, there are very interesting cases, whether it is man or woman. Women के साथ जो एक और भी sentiment जुड़ा रहता है. एंड जब औरतों को कैंसर जैसे एक डेंजरस डिजीज़ अफ्लिक्ट करता है तो द स्टोरी बिकम्स वेरी इंस्पायरिंग, इट बिकम्स इमोशनल एंड इट बिकम्स एम्पावरिंग. और ज़रूर ऐसी कोई कहानी, आई एम श्योर देयर मस्ट बी सो मेनी स्टोरीज ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ द विल अगेंस्ट द डिजीज़. और ऐसी कोई कहानी आ जाए तो आई वुड लव टू मेक अ फीचर आउट ऑफ इट. एंड बहुत सारी फिल्में बनी हैं कैंसर में, लेकिन वो सारे थोड़े से मेलोड्रामेटिक और इमोशनल लेवल पे चले गए हैं. बट इफ़ यू कैन एक्चुअली गो इनटू द साइकी ऑफ द पेशेंट एंड द साइकी ऑफ द पीपल अराउंड हर, इट विल बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग रेवलेशन ऑफ हाउ टू यू नो टैकल अ डिजीज़ दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग, बट हाउ यू कैन फाइट बैक. Related to healthcare, because you're not a manager. Yeah. But currently my
number of translations are doing is pending in Telugu, Punjabi, Malayalam, they are pending. So let me finish that. Iske baad we can think of something really better than this. Always there's improvement or betterment. So अच्छा करना ही चाहेंगे, अच्छे topic मिलेंगे तो करेंगे. आपने female cancer का पूछा. तो female cancer एक मतलब जो हिंदुस्तानी culture में महिला का जो role है बहुत important है, because she is controlling the entire family. अगर वो अगर बीमार होती है तो सारे लोग अफेक्ट होते हैं. और बस अच्छी बात ये है कि दोनों कैंसर जो सबसे ज़्यादा फीमेल में होते हैं, दोनों इधर प्रिवेंटेबल हैं या अर्ली डिटेक्टेबल हैं. सर्वाइकल कैंसर यू कैन डिटेक्ट 10 ईयर्स अर्लियर, इट कैन बी फुली क्योर्ड. ब्रेस्ट कैंसर इफ यू डिटेक्ट अर्ली, इट कैन बी पेशेंट कैन सर्वाइव इवन फॉर 30, 20, 30, 40 ईयर, डिपेंडिंग ऑन द लक, लक फैक्टर इज ऑल्सो देयर, बट इन जनरल इट इज गुड सर्वाइवल. सो ऑलवेज द फोकस शुड बी ऑन द फीमेल कैंसर विच इज प्रिवेंटेबल एंड अर्ली डिटेक्टेबल. सो आई वुड लाइक टू डू समथिंग ऑन द फीमेल कैंसर इफ पॉसिबल. नहीं, चूंकि बॉलीवुड बहुत ही पॉपुलर है, लोग बॉलीवुड को सीरियसली लेते हैं, चाहे वो फैशन हो या कोई और स्टेटमेंट. तो अगर वो जो कैंसर से अफ्लिक्ट हुए हैं, बॉलीवुड में अफ्लिक्ट हुए हैं, अगर वो मैसेजेस दे दें एंड हाउ दे आर फाइटिंग इट, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट मैसेज फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज, फॉर द कंट्री एट लार्ज, के हमारे हीरोज भी हैं जो वाकई असली हीरोज़ हैं लाइफ में या हीरोइंस हैं लाइफ में, जो डिजीज़ को न सिर्फ पर्दे पर फाइट करके जीतते हैं लेकिन असली ज़िंदगी में भी लड़ना जानते हैं और कैसे उसे ओवरकम करना चाहते हैं. सो देर इज़ नो हार्म इन यूजिंग अ पॉपुलर मीडियम लाइक बॉलीवुड टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ कैंसर. वेल, माय नेम इज साहिल छाबड़ा एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हितेश जी एंड अनिल जी. बहुत ही अच्छे से इन्होंने यू नो गाने को कंपोज किया, लिखा और एक स्टोरी टेलिंग के रूप में दिखाया. तो मुझे पता नहीं था इतने बड़े लेवल पे रिलीज़ होने वाला, बट आई जस्ट येस टू यू नो लिसन द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा मैसेज है सोशल यू नो कैंसर कोज को लेके बनाया. तो यही है, एज एन एक्टर आई एम रियली ग्रेटफुल. यू नो लाइक नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत हार्ड हो जाता है. कैंसर बहुत ऐसा यू नो सोसाइटी में है कि एक कैंसर नाम से ही लोग डरते हैं. तो एक इस तरह की चीज़ें बननी ज़रूरी हैं ताकि लोग थोड़ा मोटिवेट हो सकें और उस चीज़ को ईजिली यू नो हैंडल कर सकें. एनी मोर क्वेश्चन?